नमस्कार, मैं हूं शिवांगी सिंह और आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्णा वैली में गौशाला का शिलान्यास करने पहुंची हेमा मालिनी। गौशाला का शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एक प्रश्न के जवाब में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हर सभा में उनके द्वारा बयान दिया जा रहा है कि बीजेपी सरकार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल का वेट किसानों के हित में ही जाने वाला है। मैं भी कुछ किसानों से मिली जहां किसानों ने खुद बताया कि कोई भी परेशानी नहीं है। उन्हें ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और आगे करते भी रहेंगे। उनको लेकर के कुछ नहीं बोला। मैं अभी बोल रही हूँ, किसान ये जो पेट्रोल और डीजल का जो सेस जो आने वाला है वो पूरा का पूरा किसानों के लिए ही जाने वाला और किसी के लिए नहीं। तो एक बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं मोदी जी, कितने कुछ किया है किसानों के लिए, उसमें ये एक भी ये भी जुड़ रहा है उसमें। वी ऑल शुड फील वेरी हैप्पी, ऑल द किसान और हिंदुस्तान के सभी लोग बहुत खुश हैं। जो कुछ जन जो ना खुश हैं वो खुश हो जाएंगे। वो क्या ब्रज के कुछ किसान आप लोगों से आके मिले थे, उन्होंने कुछ अपनी समस्या आप लोगों को? कोई समस्या नहीं है, ब्रज के जितने भी किसान हैं वो एक भी मेरे पास नहीं आए, कोई कुछ कमी नहीं है। जब भी कुछ आपदा आती है तो मेरे पास जरूर आते हैं और मैंने उनका सारा किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने इस ब्रज में रहते हुए ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। एकल का व्रत आयोजन किया गया है हेमा जी के हाथों से यहाँ पे, जो और भक्ति के लिए रथ गांव गांव जाके जो लोग अब भक्ति के लिए मंदिर जहाँ को जिनको प्रोवाइड नहीं है वो उस रथ के द्वारा अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और गरीब बच्चों को यहाँ एकल द्वारा शिक्षा की भी व्यवस्था की जा रही है उनको, ताकि वो गरीब बच्चे जो हैं उनको पूरी शिक्षा मिल सके। और ये कृष्णा वैली जो है उसमें एक नई मेम्बरशिप भी लॉन्च की जा रही है। आज कृष्णा वैली में एक कृष्णा वैली ब्रजधाम गौशाला का शिलान्यास माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के द्वारा संपन्न हुआ है। हेमा मालिनी जी ने बड़े तरीके से बड़े भाव से पूजा अर्चना की, शिलान्यास किया, गौ माता की आरती की, गौओं को भोजन प्रसादी खिलाई और फिर उन्होंने एक एकल हरि सेवा सत्संग समिति के रथ का उद्घाटन किया जो गांव-गांव में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। क्योंकि बहुत सारे गांवों में आज भी हमारे प्रभु के मंदिर नहीं हैं, जिससे कि आस्था का प्रवाह, अपनी भक्ति का प्रवाह नहीं हो पाता। तो एकल ने उसके विषय में कृष्णा वैली में अपना सिस्टम बनाया, हरि सेवा सत्संग समिति ने कृष्णा वैली को अप्रोच किया। कृष्णा वैली हमेशा एकल के साथ में है और कृष्णा वैली में आके उसका रथ का उद्घाटन हुआ। ये रथ अब गांव-गांव में जाएगा और वहाँ पे इसकी पूजा अर्चना, इसमें मंदिर है, उसके माध्यम से लोगों के अंदर आस्था का जागरण करेगा।